बल्कि तमाम इदारों में महंगाई के हवाले से एहतजाज हो रहा है, क्योंकि यहाँ के हुक्मरान जो है वो हमारे ऊपर उन्होंने महंगाई के जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं, और पेट्रोल की कीमतों से लेके बिजली की कीमतों से लेके हमारे घी की कीमतों में हर एक जो हमारी बुनियादी जरूरत की चीज़ है उसकी कीमतों में जो है वो पहले अगर हफ्तों में इजाफा होता था तो अब जो है वो हर दिन नया इजाफा जो है वो उन कीमतों में होने की तरफ जा रहा है। और उसकी वजाहतें हमें क्या पेश की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि IMF की सख्त शराइत है, ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक की सख्त शराइत है, उसकी वजह से हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ रहा है। अब मसला ये है कि हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये IMF से जो लिए गए कर्जे हैं वो जो आज तक पाकिस्तान के हुक्मरानों ने लिए हैं वो अब तक के लिए गए कर्जे कहाँ है, वो पैसा जो है वो कहाँ है, क्या वो आपकी मेरी जिंदगी पे कभी लगाया गया, क्या कभी हमारे स्कूल बने, क्या कभी हमारे अस्पताल बने, क्या हमारी तनख्वाहों में कभी इजाफा किया गया उन पैसों के जरिए, वो सारे के सारे पैसे जो कर्ज की शक्ल में यहाँ के हुक्मरानों ने लिए वो आज भी इसी अमरीका और इसी यूरोप के दंगों के अंदर पड़े हुए हैं, और ये हुक्मरानों की लूट के बाद जो है वो वही दोबारा वापस जो है वो जमा हो गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस जो होशरबा महंगाई है इसकी मुजम्मत करते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक मुजम्मत करना काफ़ी नहीं है। मैं समझती हूँ आज जो हमारे हालात हैं हमें एक अमली जिद्दोजहद का आगाज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि पाकिस्तान के तमाम तर हुक्मरान जो हैं वो हमारे साथ क्या हशर कर रहे हैं। इनके ऊपर अगर हम मुल्क को छोड़ दिया तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा खर्चा क्या बताया जाता है कि यहाँ पे जी आपका जो है वो सबसे मुल्क का सबसे बड़ा खर्चा है कि आपने कर्जों की किस्तें उतारनी है, दूसरा बड़ा खर्चा ये है कि आपने दिफाई अखराज जो है वो पूरे कर दिए। अब बंदा पूछे कि इंडिया तो पता नहीं कभी हम पे हमला करेगा या नहीं करेगा, हमारे अपने हुक्मरान जो है हर दिन हम पे जो है वो माशी दहशतगर्दी जो है वो कर रहे हैं, तो इनसे हमारी जान जो है कौन बचाएगा, इनसे हमारी हिफाजत जो है वो कौन करेगा। सबसे पहले यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के आवाम का, उनकी जिंदगियों का दिफा करना और उनको इस माशी दहशतगर्दी से बचाना, इसके लिए कोई आसमान से मसीहा नहीं उतरने वाला। और सरमायादार, जागीरदार, दुकानदार और कारोबारी लोग भुगतेंगे, सिर्फ दो तबके भुगतेंगे, एक सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन, और दूसरे वो लोग जो दिहाड़ी के ऊपर अपनी रोजी कमाते हैं। सिर्फ ये दो तबके इस महंगाई से मुतासर होने हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, हम 9 तारीख को इस्लामाबाद धरने में जा रहे हैं, जहां पूरे मुल्क के मजदूर इकट्ठे होकर अपग्रेडेशन के लिए, टाइम स्केल के लिए, आपके एडहाक को बुनियादी तनख्वाह के अंदर जिम कराने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जो आप कन्वेंस अलाउंस ले रहे हैं उसकी तफरीक देखें, गौर से देखें, आप गौर से सुने, उसकी तफरीक देखें कि मेरा एक नंबर स्केल का जो मजदूर है उसको कन्वेंस अलाउंस मिलता है 1700 रुपये, और लेकिन जो 22 ग्रेड का अफसर है उसको मिलता है 95,910 रुपये। उसके पास सरकारी गाड़ियां भी हैं, तेल भी फ्री है, उसके पास ड्राइवर भी हैं, तमाम सहूलियात के बावजूद वो 95,910 लेता है। लेकिन मेरा मजदूर जो लांडी से, कोरंगी से, औरंगी टाउन से और दूर दराज हैदराबाद और मीरपुर खास से यहाँ आता है, उसको महीने के 1700 मिलते हैं। हमारा कन्वेंस अलाउंस 2008 में ये 1700 हुआ था, जब डॉलर 61 रुपए का था। कहते हैं कि दर्द इतना है कि हर रग में है महशर तड़पा, तो आदमी जब खड़ा होता है तो हैरान होता है, परेशान होता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें। लेकिन मसाइल ये है कि फिर भी किसी न किसी तरह से आप लोगों का जो इत्तेहाद है, आप लोगों का जो रिस्पांस है, आप लोगों की जो जहद है, उसके अलावा कोई मसले का हल नहीं है। दुनिया में जब तीसरी महाजंग लगी थी उसमें जो मुल्क तबाह हुए थे, उसके बाद ये IMF बनी थी और एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया था कि जो मुल्क तबाह हो चुके हैं उनको खड़ा किया जाएगा, तो उसमें मुख्तलिफ ममालिक ने अपना हिस्सा डाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, वो बैंकें सफ़ेद हाथी बन गई। और आज उनका तसव्वुर इस तरह से है कि जैसे दुनिया में तसव्वुर होता था कि फौजें मजबूत बनाओ ताकि दूसरों पे जो है वो अमलाक पे हमला करें, तो दूसरे के एसेट्स पे हम जो कब्जा करें और दूसरे के मालियाती चीज़ों पे कब्जा करें,
लेकिन अभी हो चुका तस्वर खत्म हो चुका है। अभी IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, एशियन बैंक के जरिए आपके ऊपर जो है तस्वर कायम किया गया है और आपको लूटने का इन बड़े मुल्कों ने जो उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है IMF में वो अमेरिका का है, फिर सऊदीया का भी है, इसी तरह से मुख्तर ममालिक का इसमें हिस्सा है और ये फिर इसी तरह से रूल करते हैं इन गरीब ममालिक के ऊपर, ये तरक्की मजीद ममालिक के ऊपर। तो हमारे जो तमाम इमार जो अलाउचित है वो हमारे जो है उसमें जिम कर दो और उसके अलावा हमें सहूलत दें, गलती में कहीं